गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिलहाल तो ऑनलाइन बैठी हैं, मुश्किल है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी स्कॉलिडॉन के बारे में। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था वो था फ्रॉग का, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने भी उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए अपना अपना डायग्राम निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो क्लास, जब हम लोग बात करें फ्रॉग के हार्ट के बारे में, ठीक है, तो इसका हार्ट भी स्कॉलिडॉन के हार्ट की तरह ही किसमें कवर्ड रहता है, हमेशा पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डियम कैसा होता है आपका, ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते थे आपके, विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम की बात की जाए तो पेराइटल पेरिकार्डियम आपकी पेरिकार्डियम का आउटर मेम्ब्रेन होता है, जबकि विसरल पेरिकार्डियम ये होता है उसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जिन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब पेराइटल और आपकी विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। और ये कैविटी में हमेशा एक फ्लड भरा रहता है, ठीक है, और इस फ्लड को कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लड, ठीक है। ये तो आप लोगों को सभी में सुनना है, या फिर आपके में अगर आता है एग्जाम टाइम में तो इतनी बात तो पेरिकार्डियम के बारे में तो आपको यहाँ तक लिखना ही लिखना है, ठीक है, कि पेरिकार्डियम फ्लड भरा रहता है उस कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी में। वहीं अब आप देखिए अपने डायग्राम में, जब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ बताया गया था कि इसका जो चैम्बर्स होते हैं टोटल 5 होते हैं। 5 में इसमें मतलब 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, 1 आपका होता है ये ट्रनस आर्ट्रियोसिस और 1 होता है आपका साइनस वेनोसिस, यही बताया था। जिनमें से 2 चैम्बर्स जो होते हैं साइनस वेनोसिस एंड आपका ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ये दोनों एसेसरी चैम्बर्स हुआ करते हैं, जबकि मेनली सिर्फ 3 चैम्बर्स ही यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। आप लोग जानते हैं कि इसमें ये जो हार्ट होता है कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप का होता है, बहुत ज़्यादा रेडिश कलर में होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आपके साइनसिस वेनोसिस की, तो देखिए जो फर्स्ट डायग्राम आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, तो वहाँ देखिएगा साइनसिस वेनोसिस जो है ये आपका कैसा होता है, ये आपका एसेसरी चैम्बर के फॉर्म में माना गया है, ठीक है, जो मेनली बना होता है 3 प्रीकैवल से। ऊपर की तरफ होते हैं लेफ्ट एंड राइट प्रीकैवल और नीचे की तरफ पोस्ट केवल वेन के द्वारा ये पूरा बना रहता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ट्रंकस आर्टियोसिस के बारे में, तो ये ट्रंकस आर्टियोसिस जो है ये आपके राइट ऑलिकल से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और आगे जाकर 3 ब्रांच में टूट जाता है, ये आप अपने सेकंड डायग्राम में देखिएगा, ठीक है। और ये ट्रंकस आर्टियोसिस जो है इसमें ये 3 कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इज कॉमन कैरोटिड, सिस्टमैटिक एंड पल्मोक्यूटेनियस, ठीक है। वहीं अच्छा ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आप लोगों ने कल इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम लोग बात करें आपके ऑरिकल के बारे में, ऊपर के दो जो आउटर मोस्ट ऑरिकल हैं उन दोनों के बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट रहता है और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। वहीं जो आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल, इन दोनों को भी जो एक दूसरे से अलग करता है वो भी एक ट्रांसवर्स सेप्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। देखिए लिखा था ना कोरोनरी सल्कस, ठीक है, और ये कोरोनरी सल्कस आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल को बहुत अच्छे से क्या करता है, इसको अलग रखता है।
वहीं अगर हम लोग बात करें आपके ओरिकल में, तो लेफ्ट ओरिकल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट ओरिकल आगे की तरफ जाकर आपकी पल्मोनरी वेन बनती है. क्या बनती है? पल्मोनरी वेन निकलती है, आपके फर्स्ट डायग्राम में शो रहा होगा, ठीक है ना. चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके इंटरनल फीचर्स के बारे में. जब हम इसे डाइसेक्ट करते हैं तो हमें किस तरह से इसका हार्ट दिखाई देता है, जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में. हाँ भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी
तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है कि इसमें टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, टोटल 5 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वन वेंट्रिकल, इसके अलावा इसमें एक होता है साइनसिस वेनोसिस और एक होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस कहाँ से निकलता है? आपके राइट ऑरिकल से निकलता है, जो आगे चलकर दो आर्क्स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? आपका आर्कटिक चैम्बर्स में। ठीक है, ये आर्कटिक जो है इसे मेनली तीन इसमें आर्क प्रेजेंट रहते हैं। आर्क मीन होते हैं आपके चाप जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कैरोटिड आर्क, सेकेंड सिस्टमेटिक एंड थर्ड इज पल्मोक्यूटेनियस आर्क, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। जब हम लोग बात करते हैं आपके राइट ऑरिकल और वेंट ऑरिकल के बारे में, तो ये राइट ऑरिकल हमेशा इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। कैसा होता है? ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। वहीं इस राइट ऑरिकल में एक अपर्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं साइनियो ऑरिक्यूलर अपर्चर। क्या बोलते हैं? साइनियो ऑरिक्यूलर अपर्चर। ये साइनियो ऑरिक्यूलर अपर्चर जो है, इसका मतलब है साइनियो। साइनियो मीन होता है साइनस वेनोसिस। ठीक है, ये साइनसिस वेनोसिस से आपका ब्लड कहाँ आता है? ऑरिकल में। वो भी ऑरिकल कौन सा होगा? राइट ऑरिकल में। ठीक है, ये साइनियो ऑरिकुलर अपर्चर जो है, इसके ऊपर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं साइनियो ऑरिकुलर वॉल्व। अपर्चर की जगह वॉल्व आ जाता है, जो इसको क्या रखता है? हमेशा बंद रखता है। इसका मतलब इसे वन वे होता है। साइनसिस वेनोसिस के बाद जैसे ही ब्लड आपका ऑरिकल में आएगा, तो ये रिटर्न होकर आपका साइनस वेनोसिस में ना चला जाए, इसीलिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? वॉल्व प्रेजेंट रहता है। वहीं ये दोनों ऑरिकल जो हैं, ये हमेशा एक सेप्टम के थ्रू हमेशा अलग रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर अपर्चर। क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर अपर्चर। ये इंटर ऑरिक्यूलर अपर्चर के ऊपर भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जैसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर वॉल्व। ठीक है, जिसकी वजह से आपका राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से हमेशा से डिफ्रेंशिएट रहता है। वहीं इस आपका जो लेफ्ट ऑरिकल है, उस पर भी एक अपर्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन की ओपनिंग। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन होती है। यहाँ से निकलने वाली जो आपकी वेन होगी, कहाँ जाएगी? लंग्स में जाती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। यहाँ पर ये एक्चुअली पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है, ठीक है ना, यहाँ से ही निकलेगी आपकी पल्मोनरी वेन, जो आपके डायरेक्ट हार्ट में जाएगी। वहीं जब हम लोग बात करें आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये दोनों भी एक दूसरे से अलग रहते हैं एक सेप्टम के थ्रू। ये सेप्टम कैसा होता है? ट्रांसवर्स सेप्टम होता है। ये ट्रांसवर्स सेप्टम को हम बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। क्या बोला जाता है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। इस वॉल्व के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आपका एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है हमेशा ऑरिकल और वेंट्रिकल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखता है। ठीक है, जब हम लोग बात करें आपके वेंट्रिकल के बारे में, तो वेंट्रिकल में कुछ आपकी बहुत ऐसी पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्डिनल टेंटरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंटरी। वहीं जब हम लोग बात करें आपके कॉर्डी, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर, यही है आपकी कॉर्डी टेंटरी। ठीक है, वहीं ये आपका एक्चुअली होता क्या है, जब भी ऑरिकल में कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे ही आपके ऑरिकल में कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होगी, तो ये जो आपकी कॉर्डी होती है, ठीक है, इस कॉर्डी पर भी एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ये जो कॉर्डी है, ये हमेशा इसमें से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, वो क्या काम करता है? उसका फंक्शन ये बताया था, वॉल्व हमेशा वन वे माना गया है इसमें, जिसकी वजह से वेंट्रिकल से आपका दोबारा से ब्लड ऑरिकल में ना चला जाए। तो ये कॉर्डी में से आने वाला जो ब्लड होता है, वो हमेशा किसकी वजह से आता है? ये जो ऑरिकल पे जब कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है, एक प्रेशर इस पर रिलीज होगा। ठीक है ना, जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ता है, वैसे ही आपके ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है।
वहीं जब हम लोग बात करें आपकी एक यहाँ पर एक वो बताया था ना अपर्चर, जैसे हम बोलते हैं इंटरऑरिकुलर अपर्चर, इंटरऑरिकुलर अपर्चर होने के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ आपके अपर्चर पाए जाते हैं जो आपके कहाँ होंगे, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिनेंजियम या बल्बियस आर्ट्रियोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस। ठीक है ना, क्या बोला जाता है आपका बल्बियस आर्ट्रियोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस बोला जाता है, जिनके और भी नाम है सिनेंजियम एंड पाइलेंजियम। ये सिनेंजियम पाइलेंजियम जो जो आपके वॉल्व होते हैं, इनका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा आपके लेफ्ट ऑरिकल में जो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ आपके अपर्चर राइट के तो आप लोगों ने स्टडी कर ली है, ठीक है, जो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं, ये हमेशा आपके स्पाइरल वॉल्व के हमेशा थोड़ा सा ये नज़दीक माना गया है, और जबकि ये थोड़ा सा दूर होता है, ये किससे, आपके स्पाइरल वॉल्व से, और स्पाइरल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, आपके लेफ्ट ऑरिकल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें आपके सेमी लूनर वॉल्व्स के बारे में, तो उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। सेमी लूनर वॉल्व कितने होते हैं जनरली, 3 देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये डायग्राम। नाम क्या है? अच्छा, चलिए यहाँ, ठीक है, चलिए इसे रफ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट एनिमल के बारे में। फ्रॉग तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे फिजल के बारे में। वेरेनस तो आप लोग खुद ही स्टडी कीजिएगा, वेरेनस हर चीज में छुड़वाया जाएगा यहाँ।
हाँ भाई फाइनल ईयर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बात करें यहाँ पिजन के हार्ट के बारे में, ठीक है, तो एवीज में क्या बताया गया था कि उनका जो हार्ट होते हैं वो फोर चैम्बर्ड में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, आपके एवीज और मैमल्स दोनों में ही, ठीक है। जबकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो हार्ट होता है एवीज में वो कैसा होता है, किसके अंदर रहता है, हमेशा पेरिकार्डियम के अंदर रहेगा। पेरिकार्डियम इट मीन्स, ये पेरिकार्डियम जो होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जिसके दो पोर्शन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, जबकि इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी, और इस पेरिकार्डियम कैविटी में एक फ्लड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लड, ठीक है। ये चीज आपको सभी में लिखना है, फिर रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, ठीक है। अगर आता है ये क्वेश्चन तो यहाँ तक तो आपको सभी चीज लिखनी ही लिखनी है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फीचर्स में आप लोगों को बताया कि इसमें मेनली फोर चैम्बर्स होते हैं, इसमें जो आपके ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड आपका जो साइनोसिस वेनोसिस होता है, ये दोनों एब्सेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं। इसमें जो साइनोसिस वेनोसिस जो होता है ये आपके राइट ऑरिकल में जाकर एकदम पूरा घुल जाता है, तो उससे मिल जाता है आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोग पढ़ते थे ना, जो वो दोनों आपके जो एसेसरी चैम्बर्स थे वो दोनों क्या हो चुके हैं, यहाँ पर एब्सेंट हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके, ये हैं आपके दोनों ऑरिकल एंड दिस इज अ वेंट्रिकल, ठीक है। जब हम लोग बात करें आपके ऑरिकल के बारे में, तो ऑरिकल दो हैं आपके, तो राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से हमेशा कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लार्ज शेप में देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, या फिर इंटर ऑरिकुलर अपर्चर प्रेजेंट रहता है। इस इंटर ऑरिकुलर अपर्चर के ऊपर एक वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर वॉल्व, जो हमेशा वन वे होता है, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ आपका ब्लड जो है दोबारा रिटर्न होने नहीं देता है, ठीक है। वही आप लोग जानते हैं वेंट्रिकल में भी मेनली दो ही आपके चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात करें, तो इसके बीच में भी एक ट्रांसवर्स सेप्टम प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। ये जो वेंट्रल होते हैं आपके वेंट्रिकल, ये हमेशा कोरोनरी सल्कस के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है ना, कैसे रहते हैं, एक दूसरे से ये अलग रहते हैं, कोरोनरी सल्कस, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं आप लोगों को इससे पहले बताया गया था कि इसमें ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन भी प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से निकलने वाली जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये कहाँ जाएंगी, आपके लंग्स की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर आपके इस वाले डायग्राम के बारे में, तो ये डायग्राम जो था, ठीक है, इसी को इस तरह से शो किया गया है, ठीक है। तो पीछे से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज जो यहाँ से बहुत कम दिख रही थी, यही चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से दिख सकती है, इसलिए बाकी के जो आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल है वो यहाँ पर अच्छे से शो नहीं किए गए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी को इस तरह से शो किया गया है, ठीक है। बाकी तो एज इट इज ही, आप चाहे तो इस डायग्राम को ही मेन डायग्राम मानकर अपना कर सकते हैं काम, ठीक है। चलिए ये बात तो रही आपकी एक्सटर्नल फीचर के बारे में, अब जब हम लोग बात करें आपके इंटरनल फीचर्स के बारे में, क्लास एक्सटर्नल फीचर्स समझ में आए होंगे, अच्छा रिजाइन कीजिए फाइनल ईयर आप।